नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा और साइंस फिक्शन फिल्म द मून के बारे में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। 2024 में कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट या KSA ने उन देशों का हिस्सा बनने के लिए चंद्रमा पर एक क्रू मिशन भेजा, जो उस पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। दुर्भाग्य से उस मिशन के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई, जिससे अंतरिक्ष यान के उतरने की कोशिश करते समय विस्फोट हो गया, जिससे दक्षिण कोरिया में हर कोई हैरान और निराश हो गया। 5 साल बाद 2029 में दक्षिण कोरिया अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने की उम्मीद में फिर से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का प्रयास कर रहा है। 3 अंतरिक्ष यात्री कमांडर ली, चो और ह्वांग हैं, और वे पिछली बार की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हुए यात्रा की तैयारी के लिए गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उड़ान भरने से पहले अंतरिक्ष यात्री जनता के साथ कुछ शब्द साझा करते हैं। ली का कहना है कि वह अपनी अजन्मी बच्ची का नाम तब तय करेंगे जब वह पृथ्वी को देखते हुए मिशन पर होंगे, जो अपनी पत्नी और बेटे के लिए जा रहे हैं, और ह्वांग अपने मृत पिता के सपनों को पूरा करने जा रहा है। यह पता चला कि वह पिछले मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों में से एक का बेटा है। जब दिन आता है तो जहाज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। हालांकि वे जल्द ही सौर हवाओं की चपेट में आ जाते हैं, जिससे भारी क्षति होती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई और नेविगेशन प्रणाली खराब हो जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को सभी चिंतित नागरिकों को शांत करने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर आना पड़ा, जबकि प्रेस ने विनाश के सिद्धांतों के साथ इसे और भी बदतर बना दिया है। इस बीच ली और चो बाहर से अंतरिक्ष यान की जांच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे इसकी मरम्मत करने में सक्षम होंगे। वांग, जिसके पास तकनीक के बारे में सीमित ज्ञान है, बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन उसके दो साथी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे उसे आश्वासन देते हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। अंतरिक्ष यात्रियों ने नोटिस किया कि ईंधन टैंक में रिसाव हो रहा है, और इससे पहले कि वे इस जानकारी को संसाधित कर सकें, एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें चो तुरंत अपनी जान गवा देता है, लेकिन कमांडर ली अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहता है और उड़ नहीं पाता। विस्फोट से अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को जहाज के साथ केवल कुछ मिनटों के लिए संचार मिलता है, और जल्द ही वे इसे फिर से खो देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे चो के महत्वपूर्ण विवरण नहीं पढ़ सकते हैं। वांग मदद के लिए बाहर जाने की सख्त कोशिश करता है, लेकिन ली का कहना है कि दरवाजा खोलने से उसकी मौत हो जाएगी। ली को एहसास होता है कि वह वहां से जीवित नहीं निकल पाएगा, और अपने आखिरी क्षणों में वह वांग से पूरी सिस्टम पावर को रिबूट करने के लिए कहता है, ताकि वह संचार चालू कर सके, और उससे वादा करता है कि वह सुरक्षित वापस लौट आएगा। वांग चिल्लाता है जब वह देखता है कि कमांडर ली अपनी हैच खोलता है और हमेशा के लिए गुमनामी में गायब हो जाता है। कुछ क्षण बाद संचार फिर से शुरू हो जाता है, और एक तबाह वांग बुरी खबर देने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देता है। कासा के निदेशक ने उन्हें समाधान ढूंढने तक इंतजार करने के लिए कहा, और मंत्री घबरा गए, क्योंकि वे एक और मिशन खोना नहीं चाहते थे। वैज्ञानिक अपने विकल्पों पर चर्चा करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनके पास अंतिम मिशन के निदेशक को वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके अधिकांश उपकरण और प्रोटोकॉल डिजाइन किए हैं। पिछले निदेशक किम हैं, जो वर्तमान में प्रशिक्षु हान बायोल के साथ एक पहाड़ पर कुछ शिकार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले मिशन में असफल होने के बाद से वह कासा से दूर रह रहे हैं। आजकल वह एक वेधशाला के लिए काम करते हैं। जब कासा हेलीकॉप्टर अचानक उनके सामने आता है, तो वे जानवर भाग जाते हैं और वे बात को वेधशाला में ले जाते हैं, जहां किम तुरंत वापस आने से इनकार कर देता है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि ह्वांग पिछले मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों में से एक का बेटा है, तो उसका मन बदल जाता है। कंट्रोल रूम में जहाज का तापमान कम होने से वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं। जैसे ही मंत्री फिर से घबराने लगता है, किम आता है और ह्वांग को निर्देश देता है कि केवल एक थ्रस्टर से जहाज को चंद्र कक्षा में कैसे ले जाया जाए। योजना सफल है, और जैसे जैसे अंतरिक्ष यान में तापमान बढ़ता है, यह कक्षा में घूमना भी शुरू कर देता है, जो अधिक सुरक्षित है। तब किम ह्वांग को आराम करने के लिए कहता है, जबकि वे उसे वापस लाने के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं, और भ्रमित ह्वांग नियंत्रण कक्ष से पूछता है कि वह किससे बात
बात कर रहा है। जब वांग ने नाम सुना तो उसे तुरंत अपने पिता के अंतिम संस्कार और उसमें किम की उपस्थिति की याद आ गई। इससे वह अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की पारिवारिक तस्वीरों तक पहुंच जाता है, यह जानते हुए कि वे अब कैसा महसूस कर रहे होंगे। इस बीच किम अपनी पूर्व पत्नी मुनियन को बुलाता है जो अब नासा में कार्यरत है। दुर्भाग्य से उसने उसे सूचित किया कि नासा ने स्थिति को हारा हुआ कारण मानते हुए मदद करने से इनकार कर दिया है। फोन रखने के बाद किम को हानब्योल मिलता है जो उसे सूचित करता है कि हर कोई घबरा रहा है क्योंकि वांग बिना अनुमति के लैंडर को अलग कर रहा है। किम वांग से बात करने के लिए दौड़ती है और कहती है कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन वांग ने सुनने से इनकार कर दिया। वह अपनी जान किम के हाथों में नहीं देना चाहता क्योंकि वह अपने पिता को बचाने में असफल रहा और उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। वह किसी भी कीमत पर उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा पर उतरेगा जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी जान गंवाई थी और दक्षिण कोरिया के लिए। जैसे ही दक्षिण कोरियाई नागरिक और प्रेस इस खबर से पागल हो गए, हान बायोन ने किम को उल्कापात की संभावना के बारे में बताया और किम ने उसे मरम्मत की योजना पर काम करते समय इस पर नजर रखने के लिए कहा। इस बीच वैज्ञानिक वांग का मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करते हैं जो ऐसा करने के लिए ऑटो पायलट पर निर्भर है। किम पिछले मिशन के साथ किए गए सभी कार्यों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है और जिस दिन वह बहुत छोटे वांग से मिला था वह भयभीत था कि यह लैंडिंग पिछली बार की तरह विफल हो जाएगी। जब लैंडर गति पकड़ने लगता है तो हर कोई घबरा जाता है, लेकिन शुक्र है कि वह सफलतापूर्वक लैंड कर गया। दक्षिण कोरिया में लोग जश्न मनाते हैं और जब वांग अंततः चंद्रमा की सतह पर कदम रखता है तो वह अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों की वर्दी और चालक दल की एक तस्वीर लेकर उन्हें सतह पर रखता है। उन्होंने दक्षिण कोरियाई ध्वज भी स्थापित किया। इसके बाद वह नमूने इकट्ठा करने के मिशन को पूरा करने के लिए रोवर पर निकल जाता है जबकि ड्रोन आसपास का नजर रखता है। किम सिस्टम की मरम्मत के लिए वैज्ञानिक टीम के साथ विकल्पों पर चर्चा करते हैं जबकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति भाषण देते हुए नासा से वांग को वापस लाने में मदद करने के लिए कहते हैं। मुनियंग नासा के उच्च अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वे संभावित उल्कापात के कारण मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुनियंग का निर्णय उसके पूर्व पति के लिए उसकी भावनाओं के कारण धुंधला हो गया है। उस समय हान बायोल अपने टैबलेट पर कुछ चिंताजनक रीडिंग देखती है और किम को बताने के लिए दौड़ती है कि नासा सही है, उल्कापात चंद्रमा के बहुत करीब आ रहा है। वांग वापस आकर उन्हें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि उन्होंने चंद्रमा की सतह के नीचे से बर्फ सहित सभी नमूने एकत्र कर लिए हैं। वह यह भी सोचता है कि रीडिंग में गलती हुई होगी क्योंकि वह आकाश की गतिविधि देख रहा था और रडार पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि जल्द ही क्षेत्र हिलने लगता है और उल्काएं वांग के आसपास गिरने लगती हैं, जिससे वह उड़ जाता है। वैज्ञानिक उसे जल्दी से लैंडर के अंदर जाने का आदेश देते हैं और वांग रोवर पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक विशेष रूप से बड़ा उल्का उतरता है और एक विस्फोट करता है जिससे वाहन एक गड्ढे के अंदर फंस जाता है। निदेशक की इच्छा के विरुद्ध किम एक वैज्ञानिक से अपने द्वारा डिजाइन किए गए नए कोर के साथ अंतरिक्ष यान के मॉड्यूल सिस्टम को रीसेट करने और जहाज में बिजली वापस लाने के लिए कहता है। इस बीच वांग ने अपने ड्रोन को बुलाया जिसका उपयोग वह खुद को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए करता है। वह तेजी से गिरते उल्काओं के बीच दौड़ता है और समय रहते लैंडर के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।